गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स की। जो टेस्ट आइटम्स है वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये होती है 3 टाइप की, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप। तो जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे वो ऑब्जेक्टिव और ऐसे टाइप ही आएंगे, लेकिन मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव टाइप है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, शॉर्ट आंसर लघु उत्तरी परीक्षा, और ऐसे टाइप मतलब दीर्घ या निबंधात्मक परीक्षा, मतलब जिसमें हम ज़्यादा लॉन्ग आंसर लिखते हैं, और वस्तुनिष्ठ में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर देते हैं। तो पहला आता है क्लासरूम टेस्ट एंड असेसमेंट प्ले अ सेंट्रल रोल इन द इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। जो क्लासरूम टेस्ट है और जो असेसमेंट है एक सेंट्रल रोल प्ले करती है स्टूडेंट को असेस, स्टूडेंट की इवेल्युएशन को और लर्निंग को असेस करने के लिए। द मेन गोल ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग एंड असेसमेंट इज़ टू ऑब्टेन वैलिड रिलायबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग स्टूडेंट अचीवमेंट। तो इसका जो मेन गोल होता है क्लासरूम टेस्टिंग का और असेसमेंट का, तो वो क्या है, एक रिलायबल वैलिड और यूजफुल इंफॉर्मेशन उसकी अचीवमेंट के बारे में प्राप्त करने के लिए। देर आर डिफरेंट टेस्ट आइटम टू चेक द लर्निंग आउटकम्स। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स, वस्तुनिष्ठ जो संबंधित परीक्षा है वो, तो इसमें हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर दैट रिक्वायर स्पेसिफिक आंसर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूजुअली हैज़ ओनली पोटेंशियल करेक्ट आंसर एंड दे हैव नो रूम फॉर ओपिनियन। एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज सो नेम्ड बिकॉज द सिस्टम ऑफ स्कोरिंग इज ऑब्जेक्टिव रादर देन सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है कि जो इसमें स्कोरिंग होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी सब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ के, आप बोल सकते हो कंपैरिजन में। द प्रॉब्लम मे बी स्टोर्ड एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन और एज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट एंड इज कॉल्ड द स्टेम। द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशन में इंक्लूड वर्ड्स सिंबल एटसेट्रा आर कॉल्ड अल्टरनेटिव्स। तो यूजेस क्या होंगे, टू मेजर वैरायटी ऑफ नॉलेज आउटकम्स, स्पेसिफिक फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल मेथड एंड प्रोसीजर एटसेट्रा। तो जैसे आपको बताया गया है इसमें दिख रहा है आपको आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर। तो ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे मिलते हैं और उसमें से आपको एक चूज करना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर का आप एक बोल सकते हो कि एग्जाम्पल है। तो एडवांटेज क्या है, इट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट, ये सारे कंटेंट के सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। रैपिड स्कोरिंग इज़ पॉसिबल, इसमें रैपिड स्कोरिंग पॉसिबल हो जाती है। इवैल्यूएशन टाइम विल बी लेस, इसमें इवैल्यूएशन टाइम कम लगता है। स्टूडेंट्स कैन आंसर क्विकली और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। डिसएडवांटेज क्या है, ब्लाइंड गैसिंग इज़ पॉसिबल, इसमें क्या है कि गैस वर्क चलता है, जैसे आपको पता है कि कोई भी हो सकता है क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए होते हैं। कंटेंट वैलिडिटी कैन नॉट बी टेस्टेड, इसमें कंटेंट वैलिडिटी टेस्टेड नहीं होती। द स्पेसिफिक एबिलिटीज लाइक एक्सप्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट टेस्टेड, इट टेक्स मोर टाइम टू कंस्ट्रक्शन, और ये ज़्यादा टाइम लेता है कंस्ट्रक्ट करने में। सजेशन वाइल कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस, तो इसमें क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, द आइटम शुड बी क्लियर एक्यूरेट एंड अनएम्बिगुअस, ठीक है, आइटम क्लियर होनी चाहिए और एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसमें। शुड गिव आइदर अ डायरेक्ट और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, शुड हैव ओनली वन करेक्ट आंसर, शुड कीप द ब्लैंक ओनली एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब इसमें एक ही करेक्ट आंसर होना चाहिए और लास्ट में क्या है ब्लैंक छोड़ देना चाहिए अगर नेगेटिवली, और शुड अवॉइड नेगेटिवली स्टेटेड आइटम्स। और ट्रू फॉल्स आइटम में भी इसमें आप बोल सकते हो द स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज्ड विद आउट क्वालिफिकेशन, विदाउट क्वालिफिकेशन से नहीं होना चाहिए यूज। शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। शुड नॉट यूज स्टेटमेंट्स विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, नो, ओनली, तो ये नहीं होने चाहिए। समटाइम्स एंड ऑफन, शुड अवॉइड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो मैचिंग ब्लॉक आइटम्स जो हम मिलान चिन्ह आप बोलते हैं जिसको, वो दिस शुड बी गिवर गिव क्लियर डायरेक्शन, तो इसमें क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड हो उसके द्वारा। शुड कंटेन स्मॉल प्रेमिसेस एंड रिस्पॉन्सेज, और इसमें स्मॉल प्रेमिसेस और रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। जैसे आपको बताइए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना होता है। शुड कंटेन होमोजीनियस प्रेमिसेस एंड रिस्पॉन्सेज। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आर द टाइप दैट कैन बी, अब नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय, दैट कैन बी आंसर्ड बाय अ वर्ड इन और अ फ्यू सेंटेंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, जो सिर्फ एक सेंटेंस में और फ्यू वर्ड्स में आंसर किए जाते हैं। इट यूजेज अ डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस को प्रयोग करता है।
करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, कम बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप, या ऑब्जेक्टिव और ऐसे टाइप के बीच में आते हैं, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक के ये बीच में आते हैं, लघु उत्तरीय, कैन बी आंसर्ड इन फ्यू सेंटेंसेज, और ये कुछ ही सेंटेंसेज में आंसर किए जाते हैं, इट इज़ हाईली थाट प्रोवोकिंग, और ये थाट प्रोवोकिंग होते हैं इसमें एकदम से आप बोल सकते हो कि जो भी थाट्स होती हैं वो एकदम से प्रोवोक हो जाती हैं, कैन कवर वाइड रेंज ऑफ कंटेंट, और बहुत सारे कंटेंट की वाइड रेंज को ये कवर करते हैं, इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअली लाइक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सिंथेसिस एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। तो यूजेस क्या हैं, इट इज़ सुटेबल फॉर मेजरिंग अ वाइड वैरायटी फॉर रिलेटिवली सिंपल लर्निंग आउटकम्स, फॉर एग्जांपल व्हाट इज मेंट बाय एडुसेट, एडुसेट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विंग द एजुकेशनल सेक्टर। तो जैसा को पता है कि ये एक वर्ड में आप बोल सकते हो कि वन वर्ड का सेंटेंस का आंसर है, या वन सेंटेंसेस का। तो इस तरह से जैसे आपको इस तरह से आएगा कि व्हाट इज NPTEL, expand NPTEL, what is multimedia, तो इस तरह से छोटे छोटे questions आ सकते हैं, it may be for one mark, it may be for two marks। तो advantage क्या है, large portion of content can be covered, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा portion content का cover हो जाता है, easy to construct because it measures simple learning outcomes, और ये construct करने के लिए easy है क्योंकि simple outcome learning outcome को ये measure करता है, और इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर गैसिंग, और ये गैसिंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इट इज़ यूजफुल इन इंटरप्रेटिंग डायग्राम एंड चार्ट्स एक्सेट्रा। लिमिटेशंस क्या है, इट लीड्स टू रोट लर्निंग, इसमें लर्निंग रोट लर्निंग मतलब इसमें रटने का ज़्यादा हो जाता है, प्रोविजनल बायस पर्सनल बायस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट आर इन्वॉल्व, इसमें बायसनेस हो जाती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इट कैन नॉट टेस्ट द एक्सप्रेशन एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, कि मतलब स्टूडेंट कितना एक्सप्रेसिव है वो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा, वो लॉन्ग आंसर में ही पता चलता है। राइटिंग स्किल कैन नॉट बी मेजर प्रॉपरली, और इसमें राइटिंग स्किल भी प्रॉपरली मेजर नहीं होती क्योंकि आप बच्चा एक ही वर्ड में या एक ही सेंटेंस में लिखेगा तो उसमें राइटिंग का पता नहीं चलता है। ऐसे टाइप आता है निबंधात्मक परीक्षा, ऐसे टेस्ट इज अ टेस्ट दैट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू स्ट्रक्चर रादर लॉन्ग रिटर्न रिस्पॉन्स अप टू सेवरल पैराग्राफ, तो जैसे पता है कि इसमें पैराग्राफ लंबे पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इट डिमांड्स लॉन्ग आंसर, इसमें लॉन्ग आंसर की डिमांड होती है, ऑल्सो फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स टू अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्स को फ्रीडम को का रिस्पॉन्स देने के लिए फ्रीडम होती है, कंटेन्स फ्यूअर क्वेश्चन दैन ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर, और ये बनाने के लिए भी ईजी होता है, लेस टाइम नीडिड फॉर प्रेपरेशन, स्टूडेंट गेट मच फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एलिसिडेट द स्कोप एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, तो 10 मार्क्स के लिए तो जितना बड़ा लिखना है उसमें वर्ड लिमिट नहीं होती कोई भी। एडवांटेज क्या है, ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट करने में ईजी होते हैं, ब्रिंग्स लैंग्वेज मास्टरी, इसमें लैंग्वेज मास्टरी भी बन जाती है, भाषा के ऊपर मास्टरी हो जाती है, टेस्ट पीपल्स एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज, लीड्स टू क्वालिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, रिड्यूस चांसेस ऑन द स्पॉट कॉपिंग, और इसमें चांसेस नहीं होते हैं कि कॉपी कर ले कोई किसी से, एनेबल प्लान एंड आंसर, इंश्योर कंटेंट वैलिडिटी। डिसएडवांटेज क्या है, इट कवर्स ओनली फ्यू एरियाज, इसमें कुछ ही एरिया कवर्स होते हैं, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टाइप, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, इसमें रिलायबिलिटी भी कम होती है, डेप्थ डर्थ ऑफ कम्प्रिहेंसिवनेस, इट इनक्रीजेस ब्लफरिंग, इसमें ये सब कुछ नहीं होता। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ टेस्ट, थैंक यू।